करने की बात नहीं है, अगर आप इसको इंटरेस्टिंग रूप में लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग ज्यादातर आर्ट्स के हैं कि साइंस के हैं? आप लोग कॉमर्स के हैं आप, तो ठीक है, हम लोग नए विषय की शुरुआत करते हैं। तो आज मैंने जो टारगेट रखा है कि आज आप लोग वो डेढ़ दो घंटे में केमिकल्स यूज्ड इन फूड, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री और पॉलीमर्स के बारे में बताएंगे, लेकिन पॉलीमर्स आज छोड़ देते हैं क्योंकि और बहुत बड़ा हो जाएगा, इसी में ज़्यादा समय लग जाएगा, पॉलीमर अगले क्लास में पढ़ा देंगे। तो सबसे पहले मेडिसिनल केमिस्ट्री शुरू करते हैं, आगे बढ़ाए इसमें आगे बढ़ाए। और आगे बैक करना, आगे आगे बढ़े आगे बढ़े आगे आगे। हाँ ठीक है ठीक है, बैक। तो मेडिसिन और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि साइंस वाले या आर्ट्स या कॉमर्स जो भी आप लोग हैं उसमें ये जो यूपीएससी और पीएससी में जो साइंस है ना वो ट्रेडिशनल साइंस और आर्ट्स नहीं है, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड चाहता है। ऐसा नहीं जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में एसिड बेस ये सब पढ़ लिए, टाइट्रेशन पढ़ लिए, ऐसा ये नहीं है, ये अलाइड है। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री से हम देख रहे थे, ये तीन चार चैप्टर से अक्सर तीन चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो रेगुलर हमारे जो क्लासेस हैं अब तो बीएससी लेवल, उसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री पर ज़्यादा जोर नहीं है। जो बी फार्मा करते हैं वो मेडिसिनल केमिस्ट्री जरूर पढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं, जो एमबीबीएस करते हैं या फिर जो आयुर्वेद या यूनानी से या होम्योपैथ से जो ग्रेजुएट होते हैं उनमें पढ़ाई होती है। तो जो साधारणतर बीएससी ग्रेजुएशन लेवल पर ये चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी जरूर है लेकिन सामान्यतः ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में नहीं है। मेडिसिनल केमिस्ट्री का महत्व इसलिए है कि ये आए दिन आप इसके साथ टकराते हैं, चाहे आपके मरीज आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो, चाहे आप खुद बीमार हों या आपके कोई रिलेटिव बीमार हों, अक्सर इस तरह के विषयों से पढ़ाते हैं। एक्चुअली मेडिकल केमिस्ट्री जो है ये जो ड्रग्स के डिज़ाइन एंड सिंथेसिस से संबंधित है, किस तरह का ड्रग्स होगा क्या होगा इससे संबंधित है मेनली, और किसी ड्रग का एनालिटिकल उसका जो विश्लेषण है वो किया जाता है इसमें, कि ड्रग्स जाकर वहाँ कैसे शरीर में जाकर प्रभाव डालता है, ये मुख्यतः मेडिसिनल केमिस्ट्री का प्रभाव है। कोई भी ड्रग्स है जो मेनली शरीर के प्रोटीन को इफेक्ट करता है, प्रोटीन सबसे वाइटल हमारा पार्ट है केमिकल सिस्टम, उसको इफेक्ट करता है, और किस तरह और कितना करेगा इससे कोई भी जो बीमारी है वो दूर होती है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में दवाइयां बनाई जाती हैं। तो प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी ड्रग्स के कंपोजिशन के लिए, कि अगर कोई बीमार है तो उसके लिए किस तरह का ड्रग दिया जाए कि उस पार्टिकुलर प्रोटीन को इफेक्ट करे। प्रोटीन ओवरऑल प्रोटीन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मेन जो स्ट्रेट पार्ट ऑफ लाइन है वो कि प्रोटीन को इफेक्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ो। बैक। अब एक वर्ड आता होगा एंटीपायरेटिक। साइंस में आपको कुछ साइंटिफिक वर्ड याद करने पड़ेंगे, इसके कोई हिंदी नहीं होते, अगर हिंदी होते भी हैं तो बड़ा वो जटिल होता है, जटिल इन द सेंस कि अलग अलग किताबों में उसकी अलग हिंदी होती है। तो आप जब साइंस पढ़ रहे हैं तो कुछ जो बेसिक वर्ड्स हैं उसको इंग्लिश में ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंटीपायरेटिक्स यह है कि जिसको अगर हाई फीवर रहता है उसको एंटीपायरेटिक दवाएँ दी जाती हैं,
और वो एंटीपायरेटिक दवाएं मेनली पैरासिटामोल है, एस्प्रिन है, मेनली यही है। इसमें एस्प्रिन बड़ा पॉपुलर नाम है, जो भी हार्ट पेशेंट होते हैं उनको ये दिया जाता है। ये ब्लड को थीन करता है, पतला करता है, ताकि इसका फ्लो प्रॉपरली पूरे शरीर के आर्टरीज एंड वेंस में होते रहे। पैरासिटामोल बहुत पॉपुलर दवा है, चाहे क्रोसिन लें, चाहे कालपोल लें, इस तरह के बहुत दवाएं मार्केट में हैं, लेकिन सब में जो बेसिक कंपोजिशन है पैरासिटामोल। पहले 500 mg से काम चल जाता था, आजकल 650 mg चल रहा है। कारण हमारा शरीर लेते लेते रेसिस्टेंट हो गया है, इसलिए स्ट्रेंथ बढ़ाया जा रहा है। फिर दूसरा आप सुनते हो एनाल्जेसिक, किसी को दर्द होता है तो बोलते हैं एनाल्जेसिक खा लो, तो दर्द पर्पज के लिए एनाल्जेसिक वर्ड यूज होता है, तो इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। और जिसमें मेनली जो दवा है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करता है, जाकर इफेक्ट करता है। और जो पॉपुलर दवाएं मार्केट में है, ब्रुफेन है, आइबुप्रोफेन है, पैरासिटामोल भी काम आ जाता है इसमें, इस तरह की दवाइयां हैं। तीसरा एक बहुत कॉमन है डायुरेटिक्स, जिसका ज्यादा ब्लड प्रेशर रहता है उसको डॉक्टर डायुरेटिक्स यूज करते हैं, देते हैं उसको। डायुरेटिक्स का ये मतलब है कि उससे ज्यादा यूरिन पास होता है और इससे ब्लड प्रेशर कम होता है। तो डायुरेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके घर में या आसपास जो आपके रिलेटिव्स होते हैं कि वो डायुरेटिक्स का यूज करते हैं। इसके तरह तरह के नाम से बाजार में बिकते हैं, लेकिन बेसिक उसको डायुरेटिक्स के नाम से कहा जाता है। ब्लड प्रेशर में जनरली डायुरेटिक्स दिया जाता है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर रहता है। अभी जो मार्केट में डायुरेटिक्स ज्यादा चल रहा है वो है एमिलोराइड है, और एक इसी तरह मार्केट में ब्रांडिंग कुछ भी हो, लेकिन सभी जो कवर्ड है ये डायुरेटिक्स में कवर्ड होते हैं। ये पैथोजेंस एक वर्ड होता है, जो वैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो डिजीज पैदा करते हैं, उसको पैथोजेंस कहते हैं। सिंपल फॉर्मूला यही है, पैथोजेंस का जब भी वर्ड है तो आप समझे कि कोई ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण पार्टिकुलर कोई रोग हो रहा है। आगे बढ़े, एनाल्जेसिक मैंने आपको बताया कि किसी को पेन से रिलेटेड को है, मतलब एनाल्जेसिक लेगा वो। तो अब एनाल्जेसिक दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नार्कोटिक इफेक्ट वाले भी होते हैं और एक नॉन नार्कोटिक इफेक्ट वाले भी होते हैं। अक्सर देखते हो किसी को ज़्यादा दर्द होता है तो जो एडिक्टेड रहते हैं कुछ नार्कोटिक्स दवा ले लेते हैं, उनको लगता है कि इससे बहुत आराम है और हम एकदम बहुत स्वस्थ हैं, इस तरह की फीलिंग आती है। मारिजुआना बहुत पॉपुलर नाम है, हीरोइन का आप लोग नाम अक्सर पेपर में देखते हैं, मॉर्फिन का भी नाम देखते हैं, लेकिन ये सब एडिक्टिव ड्रग्स हैं, इनको नहीं लेना चाहिए, जो लेते हैं उन पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन ये भी एनाल्जेसिक ही है बेसिकली, घुमा फिरा कर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इफेक्ट करता है, उससे आदमी महसूस करता है कि हम बहुत रिलैक्स्ड हैं, इस कारण लोग इस तरह के गलत दवाइयों के सेवन के आदि हो जाते हैं। अब जिनको ज़्यादा दर्द है ये इस तरह केस में उनको बहुत छोटे डोज में डॉक्टर देते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर स्थिति में वही बहुत कम मात्रा में दी जाती है। जो बहुत ज़्यादा किसी को मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द है, ठीक नहीं हो रहा है, सिंपल एनाल्जेसिक्स थे तो उनको दिया जाता है, लेकिन वो भी डॉक्टर देते हैं जरूरत पड़ने पर अपवादिक स्थितियों में। जो रेगुलर जो हमारे नॉर्मल ड्रग्स हैं जो बाजार दुकानों पर मिलते हैं, हम लोग लेते हैं, एस्प्रिन है, पैरासिटामोल है, ब्रुफेन बहुत पॉपुलर है, नोवालजिन बहुत प्रॉपर है, नेप्रोक्सन, ये दो दवा तो बहुत पॉपुलर है, ब्रुफेन एंड नोवालजिन, एस्प्रिन भी है, पैरासिटामोल तो है ही, वो दोनों में काम आता है, एंटीपायरेटिक में भी काम आता है और एंटी एनाल्जेसिक में भी काम आता है।
न्यूप्लाज्म को आप कैंसर समझे, न्यूप्लाज्म उसको कहते हैं किसी सेल के एबनॉर्मल ग्रोथ को न्यूप्लाज्म कहते हैं, और उसको रोकने के लिए कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है, जो कि एक रेज दिया जाता है जो कि पार्टिकुलर पैथोजेंस पर इफेक्ट करता है, मर जाता है वो कैंसर में। चलिए आगे बढ़े। अब एक आप जब जनरल टर्म में जब हॉस्पिटल वगैरह में जाएंगे तो डॉक्टर यूज करते हैं वैसोडिलेटर्स यूज करते हैं, एक वर्ड आता है कि हम वैसोडिलेटर्स यूज कर रहे हैं, तो इसमें वैसी दवा है जिसका जिसके हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उसमें इसको दिया जाता है ताकि ब्लड जो वेसल्स सिकुड़े हुए होते हैं वो फैल जाए और ब्लड फ्लो प्रॉपर हो जाए, ये वैसोडिलेटर्स को कहते हैं। एस्पिरिन उसी में आता है, जो आप देखते होंगे एंजियोप्लास्टी वगैरह सुनते होंगे, एंजियोप्लास्टी वगैरह में यही समस्या ही आती तब की जाती है एंजियोप्लास्टी, या फिर आप मान लें कि ये जो ओपन हार्ट सर्जरी है बाईपास सर्जरी है इसलिए की जाती है कि जो वेसल्स हैं वो छोटा हो जाता है, सिकुड़ा जाता है, ब्लड जाता नहीं है उससे हार्ट में या हार्ट से निकलता नहीं है, तो उसके लिए दवाइयाँ हैं कि ब्लड वेसल को चौड़ा कर दें और ब्लड फ्लो अच्छा होने लगे, लेकिन कभी कभी जब स्थिति बिगड़ जाती है तो वो दवाओं से काम नहीं आता है, तो एंजियोप्लास्टी में उसको बड़ा करके स्टंट डाल देते हैं बीच में, स्टंट का भी नाम सुनते हो, स्टंट डाल देते हैं, और फिर बाईपास सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी की बात आप लोग सुनते होंगे उसमें इसी चीज को सर्जरी करके ठीक किया जाता है। एक दूसरा है वैसोकंस्ट्रिक्शन, जिसमें कि किसी किसी में होता क्या है कि कुछ दवाओं को खाने से सेवन करने से जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण आदमी अस्वस्थ महसूस करने लगता है, और ये बाद में धीरे धीरे अगर रेगुलर सेवन किया जाए तो उससे दिक्कत भी आती है, सिकुड़ा रह जाता है, जैसे जैसे कि जो भी सिट्रिजिन है एंटी हिस्टामिन को भी दवा खाने से ये सब स्थिति लगातार खाने से बहुत दिन खाने से ये स्थितियाँ निर्मित होती है, इसलिए डॉक्टर उसको नियमित खाने के लिए नहीं कहते हैं, अगर मान लो किसी को एलर्जी है तो लगातार वो एंटी हिस्टामिन खाता है, सिट्रिजिन है बहुत पॉपुलर नाम, लेकिन ज़्यादा खाने से ये दिक्कतें आती हैं, तो ये जस्ट उसका उल्टा है। आगे बढ़े, होगी स्वाभाविक है, इसलिए ज्यादा दिन ही खाना चाहिए उसे। अब तीसरा नाम आप लोग सुनते होंगे एंटीसेप्टिक का, कि एंटीसेप्टिक दवाइयां या फिर हमको यूज करना चाहिए एंटीसेप्टिक, जैसे डिटोल बहुत पॉपुलर है, सेवलन है, दवाइयों में अपॉइंटमेंट के रूप में सोफ्रामाइसिन यूज करते हैं, ये सब एंटीसेप्टिक दवाइयों की श्रेणी में आते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण जो पैथोजेंस हैं उनको मारता है ये, या उनका ग्रोथ कम करता है, दोनों स्थितियां हैं, और इसका हार्मफुल इफेक्ट ह्यूमन टिश्यूज में नहीं होता है, जैसे आपने ऑइंटमेंट लगाया तो वहां उसको कोई नुकसान नहीं होगा उस सेल्स के या टिश्यूज के। इसे खाया नहीं जाता है या पिया नहीं जाता है, अब ये जो वुंड्स वगैरह में लगा दीजिए, कट्स वगैरह में लगाने के हैं, डिटोल वगैरह लगाते ही हैं आप लोग, ये जो डिओडोरेंट्स वगैरह होते हैं जो हम लोग शरीर में लगाते हैं स्प्रे करते हैं उसमें भी इसका यूज करते हैं। और ये कुछ जैसे कि डिटोल का साबुन है आता है, कुछ एंटीसेप्टिक साबुन भी आते हैं उसमें भी यूज होता है, उसमें ये केमिकल यूज होता है बायथियोनॉल। इसलिए जब भी आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई भी दवा खरीदें या तेल खरीदें या कुछ भी खरीदें तो आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए इसमें क्या क्या है, उससे बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आप ऐसे ही अपडेट हो जाएंगे। जैसे बाजार से कोई भी सामान जैसे लाइफबॉय ही आया तो आप लाइफबॉय निकाल कर देखो पढ़ो क्या है उसमें कंपोजिशन, ये क्यों मेडिसिनल सॉप है, या फिर आप मान लीजिए कोई मेडिसिनल सॉप यूज करते हैं जो
मार्केट में अवेलेबल है मेनली डिटॉल के हैं, और भी कुछ हैं लेकिन डिटॉल के तो मेडिसिनल ड्रग्स हैं, ड्रग्स हैं ही, शॉप्स अवेलेबल ही हैं। या डिटॉल आप लाते हैं, पढ़िए कंपोजिशन क्या है उसमें, तो पता चल जाएगा क्या कंपोजिशन है वो। तो जब तक आप अलर्ट नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, तो साइंस से अपडेट नहीं हो पाएंगे। जो हम आज बता रहे हो सके कल वो चेंज हुए, नए नए केमिकल्स ईजाद होते रहते हैं और ये जुड़ते रहते हैं, घटते भी रहते हैं, ये सब भी आप अपडेटेड होते रहे। एंटीसेप्टिक्स में जो महत्वपूर्ण है, मैंने बताया कि डिटॉल है, सोफ्रामाइसिन है, ये सब तो है ही, साथ साथ आप लोग एक टिंचर ऑफ आयोडीन की बात सुनते होंगे, ये भी आप लोग सुनते होंगे टिंचर ऑफ आयोडीन है लगा दिया जाए। तो टिंचर ऑफ आयोडीन एक्चुअली क्या है कि अल्कोहल और पानी का एक मिक्सचर है जिसमें 2-3% आयोडीन मिला दिया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर भी ये भी क्वेश्चन बार बार आया है, मैंने देखा है कुछ क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो टिंचर ऑफ आयोडीन कुछ नहीं है, एक लिक्विड है जिसमें वाटर भी है, अल्कोहल भी है, और उसमें 2-3% तक आयोडीन है, और ये एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। ये डिसइंफेक्टेंट्स जो है वो उसका रोल एंटीसेप्टिक के तहत ही है, लेकिन ये ह्यूमन के लिए हार्मफुल है, वो हार्मफुल नहीं था, ये हार्मफुल है। अंतर मेनली यही, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है या उसके ग्रोथ को कम कर देता है। अब इसका डिसइंफेक्टेंट का आप क्या कहते हैं, हिंदी खोजोगे तो दिक्कत आएगी मिलने में, और पढ़ भी लिए तो आप यूपीसी में आप देखना, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भर्सन भर्सन के क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो आप दोनों देख कर आप सॉल्व किया करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी ही देख रहे हैं, अब देखोगे इंग्लिश वर्ड उसका क्या ट्रांसलेशन है, क्या उसका वर्ड है, तब आपका सही आंसर आएगा। इसमें आप लोग देखते हो फिनॉल, अगर फिनॉल कोई पी लेगा तो मर जाएगा। तो फिनॉल हमेशा हम लोग टॉयलेट वगैरह में यूज करते हैं साफ सफाई के लिए, ताकि कीड़े वगैरह से मर जाए, पर्पस यही है। आजकल कुछ फिनॉल ऐसे भी आए हैं कि जिसमें कि डिटर्जेंट भी मिले रहते हैं और फिनॉल भी मिले रहते हैं, वो भी लोग यूज करते हैं, लेकिन मेनली डिसइंफेक्टेंट में ये है कि वाटर में क्लोरीन मिलाए जाते हैं उसको पानी की शुद्धता के लिए, उसको कीड़ों को मारने के लिए, ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए जो हमारे लिए हानिकारक है। हेक्साक्लोरोमेथनॉल ये हमारे ये साबुन और क्रीम से यूज होते हैं। टूथपेस्ट में एमाइल मेटा क्रिसोल यूज होते हैं, टूथपेस्ट जो प्रचार करते हैं आप देखना सब में कि ये केमिकल यूज होते हैं, और भी कुछ केमिकल यूज होते हैं लेकिन ये भी यूज होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। ड्रेनेज सिस्टम वगैरह में फिनॉल यूज होते हैं, टॉयलेट में यूज होते हैं, हमारे घर बहुत गंदा हो जाए तभी इसको फिनॉल से साफ कराते हैं, ताकि माइक्रो कराना भी चाहिए, जो घर में माइक्रोजम वाले रहते रहते एक साल में डेवलप हो ही जाते हैं, वो मर जाए और आप स्वस्थ रहें। आगे बढ़ें, एक एंटी हिस्टामिन्स है जो मैंने आपको पहले बताया था, सिट्रिजिन का नाम बताया था, हिस्टामिन आपको बार बार मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज होगा कि हिस्टामिन है, हिस्टामिन, हिस्टामिन बढ़ गया है, हिस्टामिन बढ़ गया मतलब एलर्जी आ गई, जैसे सर्दियां बार बार हो रही हैं या यहाँ पर खुजली हो रहा है बार बार, इस तरह की एलर्जी के जो लक्षण आते हैं उसको हिस्टामिन बढ़ने से होता है। हमारे बॉडी में एक मास्क सेल होता है वो प्रोड्यूस करता है इसे, केमिकल सब्सटेंस है ये, ज़्यादा बढ़ जाता है तो एलर्जी होती है, और इसको रोकने के लिए, हिस्टामिन को रोकने के लिए, उसके प्रभाव को रोकने के लिए एंटी हिस्टामिन्स यूज होते हैं। एंटी हिस्टामिन्स में सिट्रिजिन बहुत पॉपुलर है, सर्दी बार बार आ रही है तो डॉक्टर कहेंगे कि सिट्रिजिन खा लो आप 3-4 दिन,
तो या दवाई दुकान भी जाओगे, बताओगे आपके भाई को बहुत सर्दियाँ हो रही हैं, बार बार हो रही है, छूट नहीं रहा है, तो बोलेगा सिट्रिजिन दे देगा आपको। सिट्रिजिन इसमें आपको कुछ स्लीपिंग इफेक्ट भी है, मतलब सिडेटिव टाइप का भी है, नींद आती है। इसलिए कहते हैं कि एंटी हिस्टामिन खाने के बाद ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, तो रात के समय लीजिए आप सोते वक्त इस तरह का, या आप दोपहर तो दोपहर में सोते हैं तो उस समय ले लें आप। अब ड्राइविंग के लिए मना करते हैं, यही है एंटी हिस्टामिन। अगर कोई अल्कोहल लेते हैं, शराब लेते हैं, उनको डॉक्टर मना करते हैं कि आप ये एंटी हिस्टामिन ना लें, आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए आप सुनते हो कोई कोई कि शराब पिया और सुबह मरा हुआ पाया गया, तो वो रात में जो हो सकता है कि रात में वो एंटी हिस्टामिन ले, उसको सर्दी भी आ रही होगी, उसने एंटी हिस्टामिन ले लिया, वैसे स्थिति में रिएक्शन कर जाता है, मर जाता है आदमी, या उसकी हालत बिगड़ जाती है। एक आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एंटी माइक्रोबियल्स का भी वर्ड है, ये बैक्टीरिया या फंगल या वायरल डिजीज के लिए यूज होता है, उसको किल करने के लिए, या ग्रोथ को कम करने के लिए। तो मेनली इसमें एंटीवायरल्स बहुत वाइडर सब्जेक्ट है, और इसमें एंटीबायोटिक्स भी आते हैं, सल्फर ड्रग्स भी आते हैं, क्विनोलॉन्स भी आते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स भी आते हैं। इसमें पॉल रेहनच को नोबेल प्राइज मिला था इसके रिसर्च के लिए, एंटी माइक्रोबियल्स के लिए। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है, आपको व्हाट्सअप कर दिया गया होगा सब। एक वर्ड आप इसी में है, क्विनोलेंस का वर्ड आता है, ये मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, एंटीबायोटिक्स है ब्रॉड, जिसमें कि सभी तरह किसी भी तरह के बैक्टीरिया के कारण आप पीड़ित हैं उसको ठीक करने की इसमें क्षमता रहती है, क्विनोलेंस कहते हैं उसको। मेनली जब यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है, बहुत दिन तक चलते रहता है, बार बार आपको पेशाब लगाना पड़ेगा, इरिटेशंस होते हैं, तो उसमें क्विनोलेंस यूज़ किए जाते हैं, और तो सिफ्रोमाइसिन है, सिप्रोफ्लेक्सिन है, ये सब पॉपुलर ड्रग्स हैं। सिप्रोफ्लेक्सिन बहुत ही पॉपुलर है, ये ज़्यादा यूज किए जाते हैं। आगे बढ़े, मैंने एंटीसेप्टिक बारे में बता दिया, टिंचर ऑफ आयोडीन को भी बता दिया, हिस्टामिन के बारे में बता दिया। हिस्टामिन में ठीक है, आगे बढ़े। अब जब आप बैक्टीरिया की बात करेंगे तो दो तरह के बैक्टीरिया आते हैं, जो एंटीबायोटिक का जो वर्ड यूज होता है ना कि एंटीबायोटिक, तो दो तरह के बैक्टीरिया की बात आती है, किस तरह का बैक्टीरिया आपके शरीर में है। एक ग्राम पॉजिटिव की बात आती है, एक ग्राम नेगेटिव की बात आती है। जो आर्ट्स या कॉमर्स के होंगे उनको लगता होगा डिफिकल्ट, लेकिन ये सब क्वेश्चन पॉपुलर हैं, ये पूछे जाते हैं, आप लोग पढ़ना पड़ेगा आपको अगर आगे बढ़ना है तो, और एक बार नहीं होगा, दो तीन बार पढ़िए। ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसका बहुत और भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन मेनली है तो उसके सेल्स जो अपर सेल्स होते हैं वो थीन होते हैं, और दूसरा ये साधारण एंटीबायोटिक को झेल लेते हैं, वो उसको प्रभाव नहीं करते हैं, ग्राम नेगेटिव तो ज़्यादा डेंजरस है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर डेवलप हो गया है शरीर में उसको किल करने में ज़्यादा दिक्कत है, और ग्राम पॉजिटिव जस्ट इसका उल्टा है। ई कोलाई आप देख रहे होंगे, ई कोलाई जनरली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में होते हैं, और बहुत दिन के बाद ठीक होता है, जल्दी ठीक होता ही नहीं। एक बार वह इन्फेक्शन हो गया यूरिनरी ट्रैक्ट में तो कुछ समय लगता है, अब लगातार आपको लगभग एक महीने दवा खाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेंगे। जबकि ये जो है इसके थिक मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन ये इस पर जो एंटीबायोटिक्स मारे हैं दवाएँ वो काम करते हैं, मतलब वो ज़्यादा रेसिस्टेंट नहीं है इन दवाइयों के खिलाफ। चलिए ये तो बड़ा बता दिया, आगे बढ़िए। अब हम लोग एंटीबायोटिक हम लोग पढ़े ही, एंटी माइक्रोबियल में एंटीबायोटिक आ गया था अब, लेकिन एंटीबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है।
अक्सर अपने हम बीमार पड़ जाते हैं, तरह तरह के रोग हो जाते हैं, तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप एंटीबायोटिक को दिन खाइए। एंटीबायोटिक ज़्यादा दिन नहीं खाना चाहिए, एक सप्ताह डॉक्टर जब कहे तभी हम एक सप्ताह से ज़्यादा जाएं, लेकिन एक सप्ताह से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके जो बॉडी की रेसिस्टेंट पावर है वो कम हो जाती है। तो दूसरे एंटीबायोटिक आप काम नहीं करेंगे, दूसरे दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगे, आप और ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, आप ज़्यादा खाएंगे एंटीबायोटिक। इसलिए डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि एंटीबायोटिक ज़्यादा नहीं ना खाएं, और खाएं भी तो डॉक्टर की सलाह में खाएं, देखेंगे आपके शरीर की क्या स्थिति है उसके अनुसार प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन साधारणतः एक सप्ताह से ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करते। अगर उसमें आप ठीक नहीं हुए फिर देखते हैं क्या कारण है, उसके बाद इसको बढ़ाया जा सकता है, ये इट डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर। एंटीबायोटिक क्या है कि या तो मार देता है बैक्टीरिया को शरीर के जो उस पार्टिकुलर बीमारी को पैदा कर रहा है, या उसे उसका ग्रोथ को स्लो कर देता है। दो मेन काम है। एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया को किल करता है, वायरस को किल नहीं करता है। वायरल को किल करने के लिए एंटीवायरल दवाइयां आती हैं। तो वायरस जो है, वायरस से एंटीबायोटिक उसको प्रभावित नहीं करता है। वायरल जैसे वायरल फीवर हो गया है किसी को मान लें, तो उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। जैसे अभी जो कोविड के दौरान कोरोना हुआ था वो वायरल था, उसमें एंटीबायोटिक दवा काम नहीं आएगी। वायरल डिजीज है तो वायरल दवा खाइए, उसकी दवाइयाँ हैं मार्केट में, लेकिन एंटीवायरल दवाइयाँ बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं है उसका, हम बताएंगे उसको आगे आपको। अब इसमें मैंने बताया कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इसका दायरा बहुत बड़ा होता है कि सभी ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम नेगेटिव, सब में काम करेगा वो। ग्राम पॉजिटिव मैंने बताया आपको, ग्राम नेगेटिव बताया आपको, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में उसके दायरा बहुत बड़े होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में काम करता है। इसमें जो मेन है वो एम्पिसिलिन बहुत पॉपुलर दवा है, एमोक्सिलिन भी बहुत पॉपुलर है, तरह तरह के नाम से है, लेकिन सब में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। मतलब स्पेक्ट्रम का दायरा, मतलब कि दायरा बहुत है, सब तरह के बैक्टीरिया पर काम आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो जब ये एंटीबायोटिक का जब इजाद हुआ, आविष्कार हुआ, तो बहुत कम कंट्री में एंटीबायोटिक बनाए जाते थे, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत कम कंट्री में थी। तो भारत में जब उस समय शुरू हुआ 1952 के अराउंड, उसके पहले विदेशों से आता तो बहुत महंगा था। तो भारत की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पिंपरी में पुणे के पास है, वहाँ पिंपरी पुणे के पास एक जगह है, वहाँ पर सरकारी ड्रग फैक्ट्री है, वहाँ ये बनाया जाता है। अब तो उस बहुत कंपनी बनाने लगे हैं, लेकिन उस समय शुरुआती दौर में इंडिया में सिर्फ पिंपरी बनाते थे, जो कि सिर्फ पेंसिलिन बनाता था, अभी बना रहा है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड का पेंसिलिन सस्ता होता है मार्केट के दूसरे प्राइवेट जो कंपनी है उसके तुलना में, लेकिन मिल नहीं पाता है, जो भी कारण हो, कम प्रोडक्शन है, ज़्यादा डिमांड है, तो दिक्कत आती है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब ये 1952-53 के अराउंड ये एस्टेब्लिश हुआ, तो भारत के हेल्थ क्रांति में बहुत आश्चर्यजनक चेंजेस आए। पेंसिलिन के कारण जो बहुत से एंटीबायोटिक हर एक बीमारी में लगती है उसमें बनता ही नहीं था, और एंटीबायोटिक जो बाज़ार में उपलब्ध था जो बड़े लोग लेते थे बहुत महंगे मिलते थे, साधारण आदमी खरीद नहीं पाता, इन्होंने सस्ते दर में एंटीबायोटिक बेचना शुरू किया। ये बात अलग है कि पेंसिलिन जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है। आगे बढ़े, नैरो में या पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव में काम करेगा या नेगेटिव में काम करेगा, दोनों में नहीं काम कर सकता है। तो पेंसिलिन वही है, ग्राम पॉजिटिव में काम करता है, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव से जुड़े हुए जो डिजीजेज है उसमें काम आता है ये। और एक पॉलीमिक्सिस है वो नेगेटिव में काम आता है। अगर आप दोनों है, किसी को मान लीजिए डॉक्टर डायग्नोस कर रहा है कि पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है,
तो एम्पिक्सिलिन वगैरह यूज करते हैं, लेकिन अगर आइडेंटिफाइड है कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है तो ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। कुछ जो एंटीबायोटिक हैं वो पार्टिकुलर बैक्टीरिया के काम के अगेंस्ट ही काम आते हैं, ना वो ब्रॉड है ना लिमिटेड है, नैरो है, वो लिमिटेड है मतलब वो नैरो से भी नीचे है जो पार्टिकुलर एक बैक्टीरिया पर काम करेगा। ऐसे ऐसे भी दवाइयां ईजाद हो गई हैं। इसमें पेंसिलिन भी आता है, एक ये दवा है डायसिंड्राजिन, ये भी काम आता है। तो एंटीबायोटिक यही है, सारांश यही बता दी। तो डिटेल जो प्रीलिम्स के पॉइंट इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक का, ये 4-5 पॉइंट है, तो आप इसको ठीक से देख लेना। दूसरा आप लोग एक टर्म आता होगा एंटी मलेरियल ड्रग्स, हालांकि अब मलेरिया कम होता है लेकिन बहुत से वेस्टर्न कंट्री में तो मलेरिया है भी नहीं। तो एंटी मलेरिया ड्रग्स में जो जानते हैं कि मलेरिया के लिए यूज होता है, ठीक है, मेनली इसमें आप मेनली है क्लोरोक्विन ज़्यादा पॉपुलर है, क्यूनिन भी पॉपुलर है, ये दवाइयाँ दी जाती है, क्यूनिन और क्लोरोक्विन ये दो ज़्यादा पॉपुलर दवाइयाँ हैं, ये दी जाती है मरीजों को जिसको मलेरिया हो जाता है। तो अब जो ज़्यादा यूज होता है क्लोरोक्विन यूज होता है, ये ब्लड जब ये मतलब मलेरिया पैरासाइट के किसी भी स्टेज को मारने के लिए, जो बायोलॉजी से होंगे वो जानते होंगे मलेरिया पैरासाइट के डिटेलिंग स्टेजिंग होते हैं उसमें, लेकिन ये किसी भी स्टेज में अटैक करने के लिए उसको मारने के लिए सक्षम होता है क्लोरोक्विन। तो ज़्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब क्लोरोक्विन ही करते हैं।